नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंफोराइटमा में और वेलकम आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। जी हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कई प्रोडक्ट के रिव्यू टाइम टू करते रहता हूँ। इससे पहले मैंने आपका हिटैची एयर कंडीशनर का रिव्यू किया हुआ है जो आप मेरे वीडियो में आज जाके देख सकते हैं। और आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसकी खूबियों के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, उसकी फैसिलिटीज के बारे में, वो है आपका वेलकूल का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जी हाँ, आज जिसका मैं रिव्यू करूंगा वो है आपका वेलकूल प्रोडक्ट, उसका सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। क्योंकि जो इस सीजन चल रहा है वो आपका बरसात का सीजन चल रहा है और मोस्टली लोग बरसात में वॉशिंग मशीन जरूर खरीदते हैं। तो आप किस कंपनी का आपके लिए बेहतर रहेगा वॉशिंग मशीन, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो के इन तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने टॉप थ्री मॉडल आपके सामने ले रखे हैं, सबसे मैंने आपको मैं इसको ये बता दूं किस केजी के अकॉर्डिंग, ये आपका 7.2 केजी वॉशिंग मशीन है जो आपका वेलपूल का जो एज टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने निकाला है। सेकंड में बात कर लूं आपका 8 केजी का वॉशिंग मशीन है जो वेलपूल का है। और थर्ड जो मैंने ले रखा है वो 8.5 केजी का वॉशिंग मशीन है वेलपूल का। तो तीनों ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होते हैं। मोस्टली लोग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये पानी की इसमें कम खपत होती है और पानी रेयर कंडीशन में भी पानी आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं तो ये ऊपर से भी आपको ले लेगा, कपड़े वॉश कर देगा और डिटर्जेंट भी इसमें कम यूज होता है, तो इसलिए लोग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट जो वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं वो 7.2 केजी की वॉशिंग मशीन है जो आपका ए सुप्रीम प्लस है। अगर इसकी मैं वारंटी की बात कर लेता हूँ तो 5 ईयर की आपकी वारंटी दे रखी है, जिसमें दो मोटर होती है, जो आपकी वाश मोटर अलग होती है और आपकी ड्रेन जो स्प्रिंग मोटर होती है वो अलग होती है। तो दोनों को मिला के इसकी 5 ईयर मोटर की वारंटी रहती है और फुल प्रोडक्ट की जो वारंटी रहती है जो वो 2 ईयर की रहती है, जो वायर्स वगैरह जो स्विचेस वगैरह रहती है वो 2 साल की वारंटी कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसका कलर व्हाइट दे रखा है और आपका रेड कलर का नीचे कॉम्बिनेशन व्हाइट एंड रेड का बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इसके फीचर्स की मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले मैं इसके जो वुड मटेरियल की बात करूं तो काफी अच्छा कंपनी ने यूज किया हुआ है और ये इसका इस तरीके से कवर दे रखा है ऊपर, ठीक है। और इसके मैं अंदर फीचर्स की बात करूं तो 7.2 केजी का आपका ये ड्रम दे रखा है जो काफी बड़ा ड्रम है और इस ड्रम के साथ आपका एक पाइप दे रखा है कंपनी ने, इस तरीके से पाइप है और ये पाइप आपका वाटर टैप में लगेगा और ये पाइप आपका वाटर सिलेक्टर यानी कि यहाँ पे इस तरीके से इनलेट आप लगेगा, आसानी से इसको आप वाटर टैप में लगा सकते हैं। सेकंड मैं बात कर लेता हूँ अंदर इसके कवर दे रखा है जो आपका ड्रायर जो ड्रेन का है स्पिन ड्रेन उसका कवर दे रखा है। नेक्स्ट एक आपका डिटर्जेंट दे रखा है कंपनी ने, ये आपका वेलपूल का डिटर्जेंट है तो इसके साथ डेमो में दे रखा है। और सबसे जरूरी बात, आप अच्छी वॉशिंग मशीन आप अच्छी कंपनी की तो लेते हैं लेकिन डिटर्जेंट भी आप अच्छी कंपनी का ही यूज करें क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कई लोकल डिटर्जेंट आते हैं जिसमें सोडा मिला होता है तो उससे अगर आप अपने कपड़े सस्ते की जगह धोएंगे तो उसमें सोडा के चक्कर में आपके कपड़े फट जाते हैं जल्दी, तो अच्छी कंपनी का मोस्टली डिटर्जेंट आप यूज करें। तो ये इसका देखिए साइड में जो ब्रश लगे हुए इस तरीके से मूवेबल ब्रश है, 2 ब्रश इसमें दे रखे हैं और एक पर लिंट लगा हुआ है। लिंट इस तरीके से मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, इसमें एक थैली दे रखते हैं, इसमें जो भी अपने कपड़े का मैल वगैरह होता है वो इसमें जमा हो जाता है और बाद में इसको आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे ही वापस आप लगा देता हूं, कपड़े धुलने के बाद इसको आप निकाल के साफ कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये इसका आपका ड्रेन दे रखा है तो ये स्पिन कपड़े सुखाने के लिए यहाँ से आपका पानी निकलेगा और इससे आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाश पे सेलेक्ट है, आप इसको इस तरीके से स्पिन पे लगा सकते हैं। बाकी इसके जो 4 स्विचेस दे रखते हैं, इसकी टाइमिंग की बात करें तो 25 मिनट्स इसकी टाइमिंग दे रखी है और आप फैब्रिक टाइप के कपड़े अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, नॉर्मल हैवी एंड डेलिकेट क्लॉथ ले सकते हैं। इसमें आपको बजर मिलेगा और ये आपका ऑटो रिस्टार्ट मोड पे है, उसके बाद आपका 25 मिनट्स की टाइमिंग दे रखी है और एक वाश ड्रेन आपका स्विच दे ड्रेन सेलेक्टर दे रखा है और आपका ड्रायर आपका टाइमिंग हिसाब सेट कर सकते हैं और ये आपका कवर दे रखा है, जब आप कपड़े सूखने के लिए डालेंगे तो इस तरीके से इसमें यहाँ को इसको आपको लगाना पड़ेगा अंदर इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है।
ठीक है। और चलिए नेक्स्ट जो वॉशिंग मशीन उसकी मैं बात कर लेता हूँ। काफी अच्छी वॉशिंग मशीन है आपका, 1 kg का है आपको वॉशिंग मशीन है। और मैं इसके बारे में बताऊं तो इसका कलर बहुत ही अच्छा दे रखा है कंपनी ने, काफी चॉकलेटी कलर में है और इसका ब्लैकिश में इसके इस तरीके से कवर दे रखे हैं जो आपका डीअटैचेबल है, फिक्स नहीं है। और उसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया, उसको यूज कर सकते हैं जब आप कपड़े धुल के सुखाने जाए तो इसमें इस तरीके से कपड़े रख लें और आप अपने तार पे इसको सुखा सकते हैं, इसके जरिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी वॉशिंग मशीन की मैं बात करता हूं तो 5-star रेटिंग पे आई हुई है, तो मोर स्टार मोर सेविंग, तो लाइट की कम बहुत कम खपत है इसमें। एनर्जी अगर कंजम्पशन की बात करें तो 0.0118 किलोवाट पर केजी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5-star रेटिंग पे वॉशिंग मशीन आई कंपनी ने और एस टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो 4 इसमें इस तरीके से सेलेक्टर दे रखे हैं, और जो मैंने अभी पहले बताया आपका इसमें भी ऑटो रीस्टार्ट है और इको फ्रेंडली है आपका, और बजर भी दे रखा है आपका नॉर्मल हैवी डिलाइट, इस तरीके से आपका फैब्रिक टाइप दे रखा है, वॉश टाइमर दे रखा है, वॉश टाइमिंग इसमें ज्यादा दे रखी है, जो पहले वॉशिंग मशीन में 6.7.2 में इतनी वॉश टाइमिंग नहीं थी। अगर इसकी वॉश टाइमिंग की बात करें तो 40 मिनट की वॉश टाइमिंग दे रखी है। तो इस तरीके से आपका ड्रेन सेलेक्टर दे रखा है, टर्बो ड्रम दे रखा है। मैं इसका आपको इस तरीके से आपको इसको जो स्पिन ड्रम है वो मैं दिखा रहा हूँ ड्रेन, तो इस तरीके से मैं निकालूंगा, इस तरीके काफी बड़ा स्पिन ड्रम दे रखा है। तो कलर भी बहुत अच्छा है और इसको आप ले सकते हैं, 8 kg का है, 5 ईयर की अच्छी वारंटी के साथ कंपनी दे रही है, 5 साल की वारंटी के साथ। अब मैं इसका बड़ा सा ड्रम दिखाऊंगा, ये 8 kg का इसका बड़ा सा ड्रम दे रखा है, और मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ, सारा कुछ दे रखा है इसमें, पाइप दे रखा है, 2 मूवेबल व्हील दे रखे हैं और आपका लिंट भी दे रखा है इसमें, बड़ा ड्रम है। और सबसे अच्छा इसका कलर, ब्लैकिश कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, और इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट है, आप अंदर देख सकते हैं किस तरीके से कपड़े धो रहे हो। इसका जो ये ड्रेन का जो ढक्कन है वो आपका फिक्स दे रखा है, वो डिटेचेबल नहीं है। तो ये आपका 8 kg है और 5-star रेटिंग है। मैं इसकी व्हील की बात कर लेता हूँ तो व्हील काफी बड़े दे रखे हैं इसमें, मैं आपको व्हील दिखाना चाहता हूँ। आगे के जो दो व्हील हैं वो छोटे हैं, लेकिन ये जो इस तरीके से व्हील है वो काफी बड़े दे रखे हैं और बड़े व्हील के साथ हैं। और इस तरीके से मैं आपको इस तरीके से मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से पीछे से दे रखा है हैंडल, इसको आसानी से आप मूव कर सकते हैं, अगर कहीं इसको ले जाना आपको आसानी से मूव कर सकते हैं। तो हैंडल है, इसको आसानी से मूव करने के लिए बड़े व्हील के साथ है। तो 8 kg है, 5 साल की अच्छी वारंटी के साथ वेलपूल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट वॉशिंग मशीन की बात करता हूँ जो टॉप 3 में आती है, जो आपकी फैमिली, अगर आपकी बड़ी फैमिली है, फैमिली के हिसाब से मोस्टली लोग सोचते हैं कि मैं कितने केजी का वॉशिंग मशीन अपने घर ले जा सकता हूं। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, जैसे आपने पेंट शर्ट पहना हुआ है, जैसे मैंने एक टी शर्ट पहना हुआ है, जींस पहना हुआ है, मोस्टली इस टी शर्ट का वेट होगा आपका 200 से 300 ग्राम, 200 ग्राम मानूंगा, 200 ग्राम हल्की टी शर्ट है। लेकिन अगर जींस की बात करूं तो इसका वेट होगा कम से कम 800 ग्राम। जैसे मोस्टली एक शर्ट का वेट होता है 200 से 300 ग्राम और पेंट का वेट होता है 600 से 700 ग्राम। तो दोनों का अगर मैं जोड़ के बताऊं तो 1 kg होगा। इस तरीके से आपके घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों के हिसाब से 6 kg, यानी आप 6 kg से लेकर 7 kg तक आप ले सकते हैं। मोस्टली घर में आपके 8 लोग हैं तो आप 8 kg ले सकते हैं, और 9 लोग हैं तो 8.5 kg तक आप प्रेफर कर सकते हैं। इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन को अपने हिसाब से ले सकते हैं। थर्ड वॉशिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो 8.5 kg के साथ है, सारे वही फंक्शंस है, बस खाली केजी आपका बढ़ा दिया है इसमें, वही ब्लैकिश। अगर इसके कलर की बात करूं तो डार्क ब्लू कलर में कंपनी दे रही है, एस टेक्नोलॉजी के साथ है, और वही ब्लैकिश टक्कन इसमें वो भी डिटेचेबल है। बाकी इसका ड्रम थोड़ा बड़ा कर दिया है कंपनी ने, और इसके अगर मैं इस तरीके से मैं अगर बात करूं, इस तरीके से बड़ा ड्रम कर दिया कंपनी ने, सारे वही फंक्शंस हैं, 2 ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका ड्रेन बॉक्स दे रखा है, ये भी काफी बड़ा है और 5 साल की अच्छी वारंटी के साथ है। और इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग 40 मिनट है, एकदम सेम है, 8 kg 8.5 kg एकदम सेम है, 5 साल की वारंटी के साथ है, 5-star रेटिंग के साथ है। तो इसको आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या ऑफलाइन इसको ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। मैं इसको बैक में भी आपको दिखाऊंगा, तो प्लीज मैं आपको बैक में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी पावर केबल की बात करें तो मैं बताऊंगा, हाँ काफी बड़ी पावर केबल दे रखी है, इसकी पावर केबल है जो काफी बड़ी है, ठीक है। और स्विच 3 प्लग स्विच दे रखा है, और इसकी पाइप की बात करें जो आउटलेट पाइप है वो इस तरीके से पीछे दे रखा है, और इसमें यहाँ लगा सकते हैं। अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो
हाँ ठीक मटेरियल यूज किया कंपनी ने और अच्छी बॉडी में भी है, और उसका जो कर्व साइज है गोल में दे रखा है आपका, और फ्रंट पे आपको दिखता है साइड में गोल में दे रखा है, अपना व्हर्लपूल अपने स्टाइल से बनाता है वही मस्के। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं 7.2 केजी की जो वॉशिंग मशीन है उसकी प्राइसिंग आपको बता दूं कि ये 7 किलो 200 ग्राम की है, आपको 10,200 से 10,500 तक मार्केट में मिल जाएगी। टाइम टू टाइम इनका रेट चेंज भी होता रहता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 8 केजी की, तो आपको 11,500 से 12,000 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। थर्ड में बात करता हूँ 8.5 किलो वॉशिंग मशीन की, तो आपको 12,000 से 12,500 तक मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो ये व्हर्लपूल की जो मैंने टॉप 3 वॉशिंग मशीन की बात की, इस समय वॉशिंग मशीन का सीजन में वॉल्यूम का चल रहा है, तो आप कोई भी वॉशिंग मशीन आसानी से ले सकते हैं, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए, और आपका सपोर्ट मुझे और चाहिए। मेरा आपका सपोर्ट मुझे पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको 1% भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मात्रा में करिए, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके ला सकूं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए, तो प्लीज दोस्तों शेयर करिए और इजाजत दीजिए। जय हिंद।